बिग बॉस सीजन 15 की ये पॉपुलर कंटेस्टेंट हाल फिलहाल फिर एक बार ट्रोलिंग का शिकार हो रही है आखिर क्या है वजह क्यों हो रही है ये ट्रोल बताती हूँ आपको इस वीडियो में देख रहे फूज मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त विदांगी कर्नवल एज वी नो कि बिग बॉस में एंटरटेनमेंट की क्वीन जो है राखी सावंत हमें दिखाई दी थी पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी पिछले सीजन उन्होंने अपने पति रितेश का जिक्र किया था लेकिन कभी भी वो मीडिया के सामने नहीं आए थे उनकी शादी कभी भी पब्लिकली दिखाई नहीं गई थी ना कोई उनका हनीमून था ना कोई रोमांस था ना उनकी कोई सोशल मीडिया पिक्चर्स थे और इस साल जब वो बिग बॉस के घर में आई लेकर आई एक बहुत बड़ा सरप्राइज किया रिवील अपने पति रितेश को घर के अंदर रितेश दो हफ्तों तक अप्रॉक्सिमेटली रहे घर से बाहर हो गए उसके बाद भी अभी फिनाले के कुछ दिनों तक हमें राखी रितेश एक साथ दिखाई दे रहे थे मजे की बात तो ये है कि परसों तक राखी ने रितेश के साथ अपने कुछ रील्स डाले थे रितेश का डांस करते हुए रील भी अपलोड किया था लेकिन कल के दिन उन्होंने अपना सेपरेशन जो है अनाउंस कर दिया के एक दिन पहले ही हम सेपरेट हो रहे हैं और हमने चीजों को वर्कआउट करने का कोशिश किया बट ऐसा हो नहीं पाया इसलिए रितेश को मैं ऑल द बेस्ट कहती हूँ और रितेश से मैं हो रही हूँ सेपरेट इस तरह से राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम पे अपने फैंस के साथ ये बात जो है शेयर की अब उसके बाद फिलहाल राखी को जो है ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है भले आप ट्विटर पर जाओ इंस्टाग्राम पर जाओ हर जगह राखी सावंत को फिलहाल ट्रोल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि हां जी अब ये ड्रामा बंद करो और ये पुरानी बात है हमें पहले ही पता था आप दोनों की शादी नकली है कोई कह रहा है कि पता था ये सब कुछ बिग बॉस के लिए था सब बिग बॉस खेल गए फैंस के साथ फाइनली ड्रामा ओवर यही इसी बात का इंतजार था कि आपका ड्रामा कब खत्म होगा हम सबको पता है पेड़ पति है कोई कहता है भाड़े के पति का भाड़ा परवड नहीं रहा था राखी मैडम को इसलिए होना पड़ा सेपरेट वेल well, काफी बड़े-बड़े से -बड़े उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं एग्रीमेंट खत्म हो गई इसलिए कर दिया डिवोर्स का ऐलान भाड़े का पति वाली बात सच लग रही अब तो सर सिर्फ शो के लिए ये सब ड्रामा किया था इन्होंने भाड़े का पति स्टॉप दिस ड्रामा हम सबको पता है उसे सिर्फ टीआरपी के लिए लाया था रितेश आपके थे कौन ऐसे भी सवाल जो है पूछा जा रहा है कोई तो उनकी इंग्लिश के ऊपर भी सवाल उठा रहा है ओ माई गॉड इतनी ज्यादा इंग्लिश बिकॉज आज वी नो वो इंग्लिश ठीक से नहीं लिख पाती इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाती तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये सब जो है आ, किसी से लिखवाया गया है स्पेसिफिकली और कहीं ना कहीं ये उनके रियल वर्ड्स नहीं हैं कोई और लोग हैं जो इनके वर्ड्स लिख रहे हैं यानी ये सब कुछ जो था प्री प्लान था और उन्हें पता था कि उनकी एग्रीमेंट यहाँ तक की है और उसके बाद डिवोर्स या सेपरेशन जो भी है अनाउंस करने का था तो इस तरह से तेजस्वी के साथ पंगा लेने के बाद और करण के साथ पंगा लेने के बाद उनके रिश्ते के ऊपर सवाल उठाने के बाद शमिता और राकेश के रिलेशनशिप के ऊपर भी उन्होंने बीच में फिंगर उठाया था ये कह के शमिता वॉज नॉट श्योर अबाउट हिम इन द हाउस इस तरह से राखी सावंत ने बहुत सारे लोगों के रिश्तों के ऊपर अपनी उंगलियां उठाई थी रश्मि देसाई के ऊपर आन उमर के ऊपर भी उठाई थी वेल अभी शो के बाद उनका खुद का रिश्ता जो है खत्म हो रहा है सेपरेट हो रहा है आपको क्या है लगता क्या सच में ये भाड़े वाला पति फेक पति झूठ पति जिस तरह से लोग राखी सावंत को कह रहे हैं क्या वो सही है क्या गलत है आपको क्या लगता है कि क्या ये सब टीआरपी के लिए शो के लिए पति वाला जो ड्रामा था वो राखी सावंत ने किया था आ, या फिर ये सब कुछ रियल था एंड दे एक्चुअली ट्राइड टू वर्क इट आउट नहीं हो पाया बिकॉज रितेश के वाइफ के बच्चों के बारे में राखी को काफ़ी बाद में पता चला था तो क्या है आपको कहना इसके ऊपर कितना सच कितना झूठ क्या है आपका कहना अबाउट राखीज स्टेटमेंट्स नीचे कमेंट करके बताइए केयर